नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बच्चे और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। यदि हमें खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो हम फ्रूट कस्टर्ड बना के खा सकते हैं। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, हम देखते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, 1 केला, 1 सेब फल, अंगूर, अनार और 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1 छोटा बाउल शक्कर और 1/2 बाउल हमने ठंडा दूध लिया है जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर को मेल्ट करेंगे। सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रख देंगे। हमारा दूध उबल के तैयार होगा तब तक हम सभी फ्रूट काट के तैयार कर लेंगे। हमने सभी फ्रूट्स काट के तैयार कर लिए हैं। आप इच्छा अनुसार आपको जो भी फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। अब हम दूध में कस्टर्ड पाउडर को मेल्ट करेंगे। ठंडा दूध है ये, ठंडा दूध में ही कस्टर्ड को मेल्ट करना है, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएगी। देखिए हमने मिक्स कर लिया कस्टर्ड पाउडर दूध में। अब हम दूध देखते हैं दूध में उबाल आया क्या। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। शक्कर भी डाल देंगे। 7-8 मिनट तक लगातार चलाते रहना है ताकि ये तले में लगे ना। यदि ये तले में लग गया तो इसका स्वाद चेंज हो जाएगा, इसलिए उसे लगातार चलाते रहना। देखिए हमारा दूध और कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। जब हम गैस पे से कस्टर्ड को उतारेंगे तो उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा करना है। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके सभी फ्रूट्स डाल देंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी फ्रूटों को हमने कस्टर्ड में मिक्स कर लिया है। इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। आप भी इस विधि से फ्रूट कस्टर्ड बनाइए और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए। फ्रूट कस्टर्ड में फ्रूट्स होते हैं जो काफी हेल्दी होते हैं, तो आप इस फ्रूट कस्टर्ड को बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।